गरीब आदमी भर नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है हर घर की 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। जो गैस सिलेंडर की मैं बात कर रहा था, जो 1100-1200 तक पहुंचा दिया था, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कांग्रेस की सरकार बनेगी 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। गरीब आदमी बीमार हो, पैसे नहीं होते, बेचारा इलाज नहीं करा पाता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है गरीब आदमी के 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर दिया जाएगा। जो 100-100 गज के प्लाट की योजना की सोनिया गांधी जी ने गढ़ सरनाई से शुरुआत की थी, अपने हलके से शुरुआत की थी, पूरे प्रदेश में 4 लाख लोगों को प्लॉट दिए गए। 10 साल से भाजपा बैठी है, एक प्लॉट को छोड़ो, एक इंच जगह भी किसी को दी हो तो पूछो इन भाजपा वालों से। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है सरकार बनेगी, दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे और 2 कमरे का घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की राशि नगद दी जाएगी। हमारे नौजवान साथियों के लिए 2 लाख सरकारी पक्की नौकरियों की भर्ती की जाएगी और जो साथी रह जाएंगे उनको प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने दो मौके भाजपा और मणिपाल डांडा को देने का काम किया, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। एक मौका अपने इस भाई और बेटे को दो, आपके चरणों में बैठ के आपकी सेवा करूंगा। गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब मेरी माँ, मेरी बहन, उसको हौसला होगा कि अपने भाई के पास जाएंगे तो जाते ही हमारा सम्मान भी करेगा और हमारा काम भी करेगा। इतना हौसला आपके अंदर आपके बेटे के लिए रहेगा। आपके मान सम्मान से और आपके काम से कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे कोई बात हो जाए। और जो आजकल सरकारी दफ्तरों में जाते हो, जाते ही पैसे मांगते हैं काम के, आपका बेटा आपके आशीर्वाद से आपने मौका दिया तो यही अधिकारी होंगे, आप काम के लिए जाना, जाते ही काम भी करेंगे और पैसे की जगह 5 से 4 पिला के बेचेंगे, ऐसा इलाज इनका कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि ये हर महीने लूट के उसके मणिपाल डांडा के घर चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। आपका बेटा ईमानदारी से सेवा करेगा, किसी के आराम का एक नया पैसा नहीं चाहिए, किसी के आराम के पैसे की चाय भी नहीं चाहिए। ईमानदारी से नई उम्र है, सोच है कुछ करके जाऊं, जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा ये छोटे छोटे बच्चे याद करे कि हमारा चाचा ताऊ हमारे लिए कुछ करके गया है। इस बात की लड़ाई है, इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, चूक मत जाना, 5 साल में एक बार
साल पछताना पड़ेगा अगर एक बार चूक गए और 10 साल तो आए नहीं होंगे। अब इनके गुर्गे घूमने लग गए होंगे आपके चारों तरफ, लालच देंगे, कुछ बांटने भी आएंगे। एक काम और करना है, बांटने आए तो मना भी नहीं करना है, जो बांटेंगे लेना है और वोट कांग्रेस पार्टी को देनी है, क्योंकि ईमानदारी से तो घर का गुजारा चलता है। बांटने के लिए कहीं से नहीं आते, इनके पास बांटने के लिए इसलिए है कि आपका और हमारा खून चूस चूस के इकट्ठा कर रखे हैं। हमारे ये लूटे हुए पैसे हैं जो ये बांटने आएंगे, इसलिए इन लोगों को जवाब देना है कि हम पिकाऊ नहीं है, हमारा जमीर जिंदा है। जो काम करेगा, जो सम्मान करेगा, उस हमारे भाई और बेटे को मौका देंगे, इन लुटेरों को मौका नहीं देंगे। एक बात के लिए और सावधान रहना है, ये बीजेपी वाले बड़े चालाक है। पहले तो धर्म और जात पात के नाम पे हमारा समाज बांट दिया और वोट लेने में कामयाब हो गए। अब कुछ वोट काटू भी खड़े कर रखे हैं, इनके जो पार्षद थे थोड़े ही दिन हमारे पास भी घूम के गए। कभी कांग्रेस बीजेपी को मां बताते थे, कभी कांग्रेस को मां बताने लग गए। ना बीजेपी में रुके ना कांग्रेस में रुके, अब इन्होंने सेटिंग से खड़े कर रखे हैं। ये सोचते हैं कि इनके विरोध की वोट कुछ